बेहतरीन प्रोडक्ट ला सकती है, अच्छी क्वालिटी दे सकती है, सही रेट दे सकती है, अच्छा टारगेट दे सकती है, अच्छी डिलीवरी दे सकती है, वो सारे काम कंपनी ने अपने कर दिए। बोलो हाँ कि ना। आप प्लान क्या कर सकते हैं, बढ़िया मीटिंग करवा सकते हैं, बढ़िया डीजे वाले बाबू को बुला सकते हैं, बढ़िया कैमरा वाला ढिंग 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 धूम धड़ाका नाचो कूदो, माला पहना सकते हैं, खूब माला ले लो जी पहनो, और बताओ फोटो खिंचा सकते हैं, खींचे भाई, और कुछ रह गया बताओ, तुम्हें संग चलना है कहीं, इधर उधर बुलाना हो बताना आ जाएंगे, और बताओ अपलाइन क्या कर सकते हैं। सारे काम अपलाइन को करने, थोड़ा बहुत हमें भी करना है, कुछ बदलाव हमें भी करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। बोलो हाँ कि ना। यहां पर एक कैटरपिलर के बारे में बताया, एक कैटरपिलर जब बटरफ्लाई बनती है तो उसको एक कोकिंस को तोड़ना पड़ता है, मथुरा वाली भाषा में बताता हूं, ये गिडार जैसी रहती है, और जब ये तितली बनती है ना तो इसके ऊपर ना ये खोल जैसा चढ़ा रहता है, और जब तक ये इसको तोड़ेगी नहीं ना तो ये जिंदगी भर गिडार बनी रहेगी और ये रेंगती रहेगी। समझ पा रहा है डॉक्टर साहब, तितली है ये उड़ती है, उड़ती है और ये रेंगती, कितना बड़ा परिवर्तन है रेंगने से उड़ने का। हेलो मतलब सेकंड हैंड स्कूटर से BMW का कार्यक्रम है ये, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, बीच में ये कोकिंस है जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है खोल, ये हमारी सोच का हो सकता है, आलस का हो सकता है, किसी भी चीज का जो ये खोल हमारे ऊपर चढ़ा है ना, ये हमें रेंगने पर मजबूर कर रहा है, और ये खोल चढ़ा था अब तक पीढ़ियों से चढ़ा आ रहा है, किसी ने तोड़ने की सोची नहीं, रेंद काय चक्कर में पड़े हो। हेलो, ये खोल ग्रेवाल साहब ने तोड़ा, माधव सर ने तोड़ा, विजयपाल सर ने तोड़ा, साला मेरे को मौका मिला मैंने भी तोड़ दिया, शैलेन जी ने तोड़ दिया, उमेश जी ने तोड़ दिया, नरेश जी ने तोड़ दिया, अब किसका नंबर है, अगला नंबर किसका है, आप तोड़ के दिखाओगे, साला जो अब तक नहीं हुआ वो अब करके दिखाना, इसके लिए जो परिवर्तन करना पड़े वो परिवर्तन हम भी अपने अंदर लेके। पैनिक जरूर होगा, अरे रहने दो पैनिक, साला जिंदगी भर घुट घुट के मरने से तो अच्छा है एक बात थोड़ा हो जाए 2-3 साल। बोलो हाँ कि ना। मैं ये कह रहा हूं डायमंड बनना कोई चपरासी का खेल नहीं है, हाँ जी मेहनत है इसमें, लेकिन एक बार कर लो ना, 40 साल और 4 साल में अंतर है कि नहीं, बोलो। 40 साल घुट घुट के मरने से अच्छा 4 साल। लोग बोलते सर आपने बहुत काम किया होगा 18 लेवल, हाँ बहुत काम किया, मथुरा की सारी सड़क मैंने तो बनाई है, जितनी बिल्डिंग है इन पर सब पे पल्लेदारी मैं ही कर रहा था, अबे प्लान फॉलोअप किए हैं क्या काम, तो बहुत काम किया होगा बहुत, हाँ वहां जितने ये जेंड के बॉर्डर पे जितने सब खड़े ना उनको पीछे से मैं धक्का लगाता था, मारो गोला, क्या काम किया हो, काम काम काम, ये टाई फाई लगाई, फुसफुस मारी, ये जेल फैल लगाया, निकल गए, घर से निकलना ये सबसे जरूरी, और माइंडसेट रखना, ये माइंडसेट, छोटी सोच से बड़ा काम नहीं होता। जिंदगी में अब तक जो करते आए हो अब वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है, अगर जिंदगी में वो चाहिए जो अब तक नहीं मिला तो साला वो करना है जो अब तक नहीं किया। चाहे साला कुछ भी हो जाए अभी मैं करके दिखाऊंगा, तैयार है? भगवान सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, अपनी लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी। जब साक्षात कृष्ण थे ना तब भी गीता सुना रहे थे, धनुष तो इसी ने उठाया अर्जुन ने, बोलो, बोले भाई तू 700 सुन ले 750 सुन ले, तू बोले तो 1400 सुना दूं, लेकिन धनुष तुझे उठाना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर ये चाहते, इनका प्रिय मित्र था, इससे ज्यादा लंगोटिया यार कोई था नहीं इनका, और ये चाहते तो 2 मिनट में महाभारत खत्म, एक सुदर्शन चलाना था, बोलो महाभारत खत्म, लेकिन क्या उन्होंने किया ऐसा? उधर ही रखा था, पेटी में रखते थे उसको, इधर इधर छुपा के रखा था सुदर्शन, निकाला ही नहीं है, इधर देखो ये सुग्रीव ये पिट रहा है कूट रहा है वो मार रहा है वो पेड़ के पीछे खड़े, होन दो होन दो होन दो,
जब साक्षात थे। ईश्वर का एक कथन है, वो संघर्ष में अगर तुम्हें डाल रहा है ना, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए डाल रहा है, कमजोर बनाने के लिए नहीं। अगर सारा काम भगवान कर देते तुम्हें कौन पूछेगा? अरे गोदी में उठा के डायमंड किसी को नहीं बनाया जाता, अपने पैरों पर चलना होगा, उसकी हिम्मत भगवान दे रहा है, इसलिए तुम इस हॉल के अंदर बैठे हो, इसीलिए इस हॉल के अंदर बैठे हो। यस या नो? उसने हिम्मत दे दी है, अब आगे के लिए टाल तुम्हें ठोकनी है, साला मैं देखता हूं डायमंड कैसे। अरे तैयार हो? और आज आपको भी चाहिए हनुमान, बोले शैलेंद्र सर जैसा मेरे को मिल जाए डाउनलाइन में, आहा मजा आ जाए सर, मिल तो जाएगा। भगवान राम को भी हनुमान ना 14 साल के वनवास के बाद मिले थे। हेलो, ये घर में बैठे बैठे हनुमान नहीं मिलते। मैं मथुरा से निकल के जोधपुर गया था, तब मुझे शैलेंद्र जी मिले, ओमिर जी मिले, विकास यादव मिले, सोमा शंकर मिले। आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको इनसे भी तगड़े तगड़े टाइगर आपका इंतजार कर रहे हैं। उनको रास्ता दिखाओ। एक से एक टैलेंट, अकेला एक जसवीर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ, जसवीर से भी तगड़े तगड़े, और वो तुम्हारी टीम में आकर के ज्वाइनिंग लेंगे और बोलेंगे गुरुदेव आपने क्या काम दिया, साला काम का मीटर मैं तान के दिखाता हूं। लेकिन ऐसे बंदों को ढूंढने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा भाई साहब, घर पे बैठे बैठे नहीं मिलेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। तैयार हो? कमिटमेंट होना चाहिए। आप देखो मोदी साहब ने घर छोड़ा, पीएम बन गए, योगी जी ने घर छोड़ा, सीएम बन गए, भगवान कृष्ण ने घर छोड़ा, योगी बन गए, देखो योगीराज, राम ने घर छोड़ा, पुरुषोत्तम बन गए। घर छोड़ने में पोटेंशियल है, घर में रह रह करके तो छित्र पड़ती है। काम का ना काज का, अगली लाइन तो सबने सुनी है, मैं सोच रहा था शायद पता नहीं होगी। तो घर छोड़ने के लिए तैयार रहो साला, जब तक जाने मन का मैसेज नहीं आया ना कब आ रहे हो, तब तक साला आज जाना नहीं उतर। बोलो रेडी हो? बहुत सारे लोग हैं इस 2 साल के अंदर अपनी नौकरी को गंवा चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी पास आउट कर रहे हैं, डिग्रियां ले लेकर के घर से निकल रहे हैं, आज उनके पास रोजगार नहीं है। और ये पुण्य का काम है दोस्तों, किसी व्यक्ति को रोटी बांटने से भी ज्यादा जरूरी है, आप उसको रोजी दे दो। मेरे घर में तस्वीर लगा करके पूजा होती है सेफ शॉप के ग्रेट मेंटर्स की और अपनी कंपनी की, आज साला रोटी अगर आ रही है तो सेफ शॉप की वजह से आ रही है। मैं किसी मंदिर नहीं जाता, मेरे अगर आप साला सीने को फाड़ के देखोगे तो इसमें माँ गुरु जी माधव सर और माँ गुरु जी विजयपाल सर की तस्वीर मिलेगी, क्योंकि आज जसवीर को अगर ब्रांड बनाया तो उन्होंने बनाया। ईश्वर पहले भी थे, लेकिन ईश्वर मेरी जिंदगी में तब आकर के असर दिखाना शुरू किया जब माँ गुरु जी लोग आए। हेलो, आप चाहो, आपके लिए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, आप जैसा कोई नेक नियत का पार्टनर मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उसको बोले कंधे बात रखे, यार मैं तेरे साथ हूं, चल दोनों भाई मिलके करेंगे। ऐसा बोलने वाले लोग नहीं, अगर वो आप बनोगे ना, मैं बता रहा हूं भाई साहब मेरे साथ तो क्या है, हिंदुस्तान लीवर साला, नाम हिंदुस्तान रख करके हैप टोटल विदेशी लिए जा रहा धुआंधार, 88 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में, तुम रहन दो मत बेचो, लोग तो खरीदेंगे। आज एक मनरेगा में काम करने वाला बंदा भी शाम को शैंपू से नहाता है, वो सेंसिल्क का हो सकता है, क्लिनिक प्लस का हो सकता है, और अगर सेफ शॉप का दोगे तो वो सेफ शॉप का भी हो सकता है। मेरी कोठी पे काम चला, साला डब से नहा रहा है वो डब, मैंने सही है यार कार्यक्रम तेरा तो नहीं, बोला भैया ऐसे ना थोड़ा गोरा होने के चांस रहते हैं, देखो आपको पता ही है हम धूप में काम करते हैं, मेंटेन रख भैया मेंटेन, तुम रहन दो। लोग तो इस दुनिया में हमेशा से और हमेशा के लिए दो लोग हमेशा से थे, एक खरीदने वाला और दूसरा उसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचने वाला। बोलो हाँ कि ना? हम नहीं बेचेंगे तो ये बेचेंगे फिर, तुम रहन दो। बोलो ये किसको देख के हंस रहा है बाबा, ये तुम्हें देख के हंस रहा है, ओए बेरोजगार आदमी, ओए पेट्रोल महंगा हो गया तू मर, मैं तो हेलीकॉप्टर चला रहा हूं। 27,000 करोड़ की कंपनी है बाबा की। बाबा का मतलब क्या, जिसके आगे कोई नहीं, जिसके पीछे कोई नहीं, जिसकी जेब में कुछ नहीं,
वो बाबा, और ये बाबा 27,000 करोड़, इसको देख के तो हमें फीलिंग आ रही है हम बाबा हैं। महाबाबा, हेलो, बाबा को समझ में आ गया, सारा काम योगा से नहीं होगा, योग के साथ उद्योग को भी जोड़ना पड़ेगा। उद्योग को जोड़ दिया, और ये ध्यान रखो, तुम परिवार वाले हो, तुम्हारे पीछे बच्चे हैं और उनके सपने हैं। तुम्हें अधिकार था जिंदगी में कुछ ना करने का अधिकार था, बस एक काम ना करो, शादी ना करो, कैसे भी घूमो, भीख मांगो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, शादी किया। तुम कितने संतोषी आदमी हो, लेकिन बीवी से पूछो, वो जब शादी में जाती है, पार्टी में जाती है, और अगर तुम्हारी बीवी पड़ोस वाली की साड़ी को नहीं देख रही, उसकी ज्वेलरी को नहीं देख रही, तो समझ लो वो दूसरी महात्मा है, वो बुद्ध से भी ऊपर है। और ऐसा होगा नहीं। अगर तुम्हारे बच्चे किसी भी पार्टी में जाने के बाद दूसरे के बच्चों के कपड़ों को नहीं निहारते, तो समझ लो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो देख रहे ना, तो तुम्हें चैन से बैठने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। चला इतना काम करो, इतना काम करो। लोगों की बातों टोंटबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं। लोगों ने बाबा को नहीं बोला होगा, अरे बाबा होकर के तेल साबुन शैंपू बेच रहे हो, बाबा होके। और तुम सोचो, बाबा नहीं सोच रहा, बाबा बेच रहा कार्यक्रम, धुआंधार जा रही है। बड़े बड़े अमेरिकन और जापानीज की नींद आराम करती लंगोटी वाले बाबा ने, टाई वाले सोच रहे क्या करें। 900 करोड़ रुपए का तो दंत कांति बेच देता है, जितना तुम्हारी कंपनी का टोटल टर्नओवर नहीं है। हेलो, लोग तो ले रहे हैं, आपसे भी ले सकते हैं। बाबा के प्रोडक्ट का तो कहना ही क्या, बाबा ने तो ये तक बेच दिया। सब बिकता है, बेचने वाला चाहिए। हेलो, बाबा का बिक रहा, धुआंधार कार्यक्रम जारी है। तुम्हारी गाय का साला जा रहा नाली में, और बाबा की गाय का जा रहा बाल्टी में, बाल्टी में आ रहा है। एक आइटम इसी के लिए, जैसे ही ये करे शुरू, तू लेके बाल्टी घूम। बोलो, बाबा का बिक रहा है। एक बंदा पूछा सर नौनी की क्वालिटी बताओ, यार इससे तो ठीक ही है, जो क्वालिटी वालिटी छोड़। कहने में तो अच्छा है कम से कम। सोचो, तुम नहीं सोचोगे ना, और क्या क्या बेच देगा तुमने सोचा नहीं होगा अभी। ये नहीं मानने वाला, ये तुम्हें ही बाबा बना देगा। किस किस को लग रहा है अभी मैं भी बेचूंगा? पक्का? तो तुम्हें तो इनसे बढ़िया ही चीज बेचनी है यार, बताओ। ये नहीं बेच सकते हम? हैं बाबा ये बेच दे रहा है, हम ये नहीं बेच सकते क्या? ज्वेलरी है यार, हा हा, चाहे आर्टिफिशियल ही सही, कम से कम कहने में तो अच्छी है। क्या लेके आए हो? बोला ज्वेलरी। तैयार हो? दमदार चीजें हैं अपनी कंपनी के, दमदार प्रोडक्ट है। और एक बात ध्यान रखना, पैसा बेचने से ही आने वाला है। आज जहां पे भी पैसा बना रहे हो, बेचने से बन रहा है। सामान बेच रहे हो, सेवाओं को बेच रहे हो, कुछ ना कुछ बेच रहे हो। नहीं बेचोगे पैसा नहीं मिलेगा। और तुमने कसम खा रखी है मैं कुछ नहीं बेचूंगा, एक दिन घर बेचना पड़ेगा, फिर
खेत बेचना पड़ेगा, और ये सब खत्म हो गया तो आत्मसम्मान बेचना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। बेचना तो कईयों ने फिक्स ठेका कर रखा है, 25,000 में अपने आप को 8 घंटे के लिए बेचता हूं, जाता है रोज बिकता है, क्या है वो ना जाए तो मिल जाए उसे 25,000, देखते हैं कैसे मिल जाएगा। बोलो, मेरे को समझ में आया तो उस दिन से मैंने तो कार्यक्रम जारी कर दिया। आपका क्या इरादा है? आप बेचने के लिए तैयार हैं? इस काम पे फक्र होना चाहिए, फोकट का नहीं ले रहे हैं। हम बेचेंगे, सामान देंगे, उसके बदले में हम ले रहे हैं, तैयार हैं? आरंभ है प्रचंड। अभी साला इतना बेचना, इतना बेचना, इतना बेचना, इतना बेचना है कि कंपनी का सामान ट्रक में नहीं ट्रेन भर भर के आना चाहिए साला, ट्रेन भर भर के। बोलो यस या नो, क्योंकि भारत देश है, या कुछ भी ले आओ, झाल मुड़ी, माल मुड़ी, कुछ भी, भेल पूरी, साला सब बिकता है। तुम स्टेशन के बाहर कच्चा लेके बैठ जाना साला, वो भी बिक जाएंगे। इतनी पब्लिक है, इतने लोग हैं, और कमाल की बात है बेरोजगार घूम रहे हैं, विदेशी बेच रहे हैं। अभी तुम लोग तैयार हो जाओ बेचने के लिए, रेडी है? 2022 का आरंभ ही एकदम प्रचंड रहना चाहिए। कार्यक्रम मतलब दुक्का तिक्का थे नहीं, साला सीधा छक्का।